मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोग को आईटीआई ज्ञान ट्यूब में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोमीटर के ब्रिटिश और मैट्रिक में रीडिंग याद करने के लिए सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में आपको माइक्रोमीटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखेंगे। जैसे कि क्या सीखेंगे कि आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो टाइप्स दिख रहे हैं, इस सभी माइक्रोमीटर के जो टाइप्स हैं और इस सभी टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा सा आप देख लेंगे कि आपको हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एनवल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, आपको ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको बॉल माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, कॉम्बी माइक्रोमीटर, थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर ETC, अर्थात उसके एनविल और स्पिंडल और फ्रेम जिस आकृति में उपयोग के आधार पर बनता है, उसी के आधार पर उसका टाइप्स बन जाता है, उसका प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बोर्ड पे जो दिया गया है उसके आपको लगभग माइक्रोमीटर का जो टाइप्स लिखे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको बारीकी से हम लोग फिर समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बारीकी से इसको समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर का बारे में फिर समझिए कि इसे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखते हैं, चलिए इसको बारे में सीखते हैं कि आपको हब माइक्रोमीटर क्या है इसके बारे में। तो हब माइक्रोमीटर में जैसे कहते हैं कि हब माइक्रोमीटर क्या है, तो हब माइक्रोमीटर इसका जो फ्रेम जो होता है आयताकार होता है और 20 mm इसका फ्रेम जो होता है आयताकार होता है और 20 mm के जो खांचे होता है, 20 mm की जो कह सकते हैं कि इंटरनल जो होते हैं लंबाई होते हैं, 20 mm की जो लंबाई होते हैं उसमें आप इसका एनविल और स्पिंडल इन करके और हब की लंबाई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हब की लंबाई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो 20 mm जो 20 mm सुराख में आसानी पूर्वक एनविल और स्पिंडल इन करके हब की लंबाई को आसानी पूर्वक यह मापता है। ठीक है, तो यह हब माइक्रोमीटर के बारे में समझ गए। नेक्स्ट है ट्यूब माइक्रोमीटर। तो ट्यूब माइक्रोमीटर में हम लोग जानेंगे कि ट्यूब माइक्रोमीटर, देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग हिंट्स लेते चलेंगे कि आपको आयताकार समझिए कि इस हब माइक्रोमीटर में आपको इस तरह से आयताकार समझिए कि इससे बनेगा उसका फ्रेम। ठीक है, आयताकार बनेगा, है ना, इस तरह से आयताकार फ्रेम बनेगा। लेकिन आपको समझिए कि इसे इसमें जो देखते हैं कि आपको ट्यूब माइक्रोमीटर में जिसका जो फ्रेम है, जो आपको ट्यूब माइक्रोमीटर में एक जैसे यह है और इस तरह से जो देख रहे हैं इसमें यह स्पिंडल हो गया और स्पिंडल हो गया और इस समझिए कि आपको इस तरह से इसका फ्रेम बनता है, है ना, इसका फ्रेम बनता है। तो इस तरह से समझिए कि इसका फ्रेम बन रहा है। तो यह आपको एनविल हो गया, स्पिंडल हो गया। जो यह क्या है कि एनविल और स्पिंडल 90 डिग्री पे आपको स्पर्श करने के बाद 90 डिग्री पे यह कोण बनाता है, 90 डिग्री पे यह कोण बनाता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर 90 डिग्री पे कोण बनाता है और यह जो लंबवत में जो एनविल होते हैं इसी एनविल में आपको ट्यूब को इन कराकर उसकी मोटाई को मापा जाता है। ट्यूब या पाइप को इन कराकर उसको मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, तो यह ट्यूब माइक्रोमीटर, तो जिस तरह से उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जो ट्यूब की मोटाई को मापने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो इसी कारण उसका नाम रखा गया ट्यूब माइक्रोमीटर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह स्क्रू पिच, है ना, स्क्रू पिच की व्यास को मापता है, कहने का मीन्स क्या है कि आपको जब हमें माइक्रोमीटर के सिद्धांत बताए थे उसमें स्क्रू थ्रेड टेक्नोलॉजी बताए थे कि बोल्ट पर या आपको नट के इंटरनल भागों में थ्रेड कटा होता है या कह सकते एक्सटर्नल भागों में आपको बोल्ट पे थ्रेड कटा होता है, तो उसमें
आपको पिच सर्किल होता है, तो पिच सर्किल जो होता है क्रेस्ट और रूट के बीच में जो आपको जो डिस्टेंस बनता है उसको आपको पिच सर्किल बोलते हैं। तो हमारे स्क्रू पिच माइक्रोमीटर से, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू की जो पिच के जो व्यास होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो होता है एनविल और स्पिंडल जो इस प्रकार होता है, एनविल और स्पिंडल जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का आपको एनविल जो होगा उसको थोड़ा सा गौर करेंगे कि आपको इस तरह से कोनिकल एनविल होगा और इस तरह से समझिए कि आपको स्पिंडल जो होगा कोनिकल बनेगा। ठीक है, जो यह जो होगा आपको क्रिस्ट भाग यहाँ आपको रहेगा और यह आपको रूट भागों में इन करेगा। तो इस तरह से स्क्रू पिच के व्यास को मापने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो यह बहुत ही आपको उपयोगी है कि थ्रेड को पिच के व्यास को मापता है आसानी पूर्वक। चलिए, तो इस तरह से एनविल और स्पिंडल के बारे में समझ गया कि एक आपको कोनिकल और एक समझिए कि आपको जो इस प्रकार जो कोनिकल, दोनों जो कोनिकल होता है लेकिन एक में आपको एक पोकर टाइप का एक सुइनुमा होता है, लेकिन एक समझिए कि आपको एक कोनिकल भाग जो होता है गहराई में लिया हुआ होता है ताकि उसका जो उभरा हुआ भाग क्रिस्ट भाग आपको इसमें इन कर जाए और रूट भाग में यह आपको इन कर जाए, जिसके वजह से उसके व्यास जो है आपको थ्रेड का जो स्क्रू पिच का व्यास है उसको आसानी पूर्वक यह माप सके। ठीक है, उसको बाद हम लोग आ जाते हैं भी एनविल माइक्रोमीटर में। तो भी एनविल माइक्रोमीटर जैसे कहते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसकी जो फ्रेम जो बना होता है, एनविल जो बना होता है वह भी आकार की बना होता है। ठीक है, भी आकार की बना होता है, तो उसी टाइप से आपको समझिए कि 60 डिग्री पे उसका जो फ्रेम जो एनविल जो बना हुआ रहेगा इसका 60 डिग्री पे। ठीक है, भी एनविल माइक्रोमीटर का 60 डिग्री पे इसका फ्रेम बना हुआ रहेगा और इसकी वजह से आपको भी आकार का वह रूप लेता है, उसका आकृति भी आकार का लेता है, अंग्रेजी के लेटर भी आकार का लेता है, जिसके वजह से इसको भी एनविल माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, तो इस तरह से आपको 60 डिग्री हो गया और भी एनविल माइक्रोमीटर हो गया। नेक्स्ट में आपको समझिए कि इसके बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग जो होता है सेंटरलेस जब है ना, सेंटरलेस जब को ज्ञात करने के लिए आपको भी एनविल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सेंटरलेस मतलब उसमें आपको सेंटर नहीं होता है, वैसे जब को मापने के लिए भी एनविल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यह जान गया कि उसकी आकृति के जो जिस टाइप से बन रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर भी आकार की होता है, इसकी वजह से इसका नाम जो रखा गया आपको भी एनविल माइक्रोमीटर, और उसका एंगल जो होता है आपको कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह जान गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीट माइक्रोमीटर। हाँ, सीट माइक्रोमीटर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ध्यान रखना है कि सीट की आपको मोटाई को मापता है। ठीक है, लेकिन सीट आपको जो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होता है थोड़ा अधिक होता है, इसी कारण उसका समझिए कि इससे मोटाई मापने के लिए इसका यू, इसका जो फ्रेम बनता है यू लेटर के अंग्रेजी के लेटर जो होता है यू, अंग्रेजी के लेटर होता है यू, उसी आकृति में इसका फ्रेम बना होता है और यह 50 mm या कह सकते हैं 50 mm से आपको 150 mm है ना, 150 mm तक यह समझे कि इसका फ्रेम यू आकृति में यह बना होता है, जो यह सीट की मोटाई मापने में इसका यह उपयोगी है। सीट की मोटाई आसानी पूर्वक यह मापता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह जाने कि सीट माइक्रोमीटर का जो नामकरण हुआ वह किस प्रकार हुआ। तो मापने के आधार पे जो हम देखते हैं कि आपको सीट की मोटाई मापता है, उसकी आकृति यू आकार के अंग्रेजी के लेटर यू आकृति में बना होता है और यह 50 mm या 150 mm के मतलब साइज में वह यू आकृति बनाती है, जिसके वजह से इसका नाम भी रखा गया आपको सीट माइक्रोमीटर, जैसे कि सीट की मोटाई मापता है इसी कारण। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर में। तो ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर जैसे कहते हैं तो इसको ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर को हम बोल सकते हैं कि एडजस्टेबल माइक्रोमीटर। एडजस्टेबल माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं, पहले ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर के बारे में यह दिमाग में होना चाहिए कि यह आपको सभी माइक्रोमीटर से इसका फ्रेम जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, इसका फ्रेम जो होता है बड़ा होता है
और इसका समझिए कि इसे जो एडजस्टेबल जो होता है, आपको एनविल कह सकते हैं कि एडजस्टेबल एनविल जो होता है वह एनविल आपको साइज में होते हैं जो इस तरह साइज में होते हैं कि जीरो से आपको एक इंच, जीरो से दो इंच, जीरो से एक इंच, एक इंच से दो इंच, दो इंच से तीन इंच, तीन इंच से चार इंच, इस तरह से उसका साइज होता है। यह कह सकते हैं जीरो से चार इंच या आपको जीरो से 100 mm के साइज में यह इसका जो एनविल आपको बना होता है। और इसी के आधार पर समझिए कि इसे ऑटो मोबाइल सेक्शन जिसको कहते हैं कि इंजन सेक्शन जिसको कहते हैं, जो उसको मापने में यह बहुत उपयोगी होता है, जो आसानी पूर्वक यह मापता है। ठीक है, इसका फ्रेम आपको लंबा बड़ा होता है और उसका हम साइज भी बता दिए कि आपको समझिए कि इसे जीरो से चार इंच या आपको जीरो से 100 mm के साइज में वह उपलब्ध होते हैं। उसका जो चार एनविल जो बना होता है वह जीरो से 1 inch, 1 से 2 inch, 2 inch से 3 inch और 3 inch से 4 inch के साइज में वह बना होता है। ठीक है, तो वह होता है सबसे बड़ा जो एनविल होगा वह होगा आपको जीरो से वन साइज में वह जो होगा सबसे बड़ा एनविल होगा, उसी और सबसे छोटा हो जाएगा जो 3 से 4 inch। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ज्ञात होना चाहिए इसका, समझिए कि इस जो फ्रेम जो होता है आपको सबसे बड़ा होता है और इसका मापांक किस तरह जो है, तो एडजस्ट इसका जो दूसरा नाम जो है एडजस्टेबल माइक्रोमीटर, दूसरा नाम इसको एडजस्टेबल माइक्रोमीटर अर्थात इसको एडजस्ट करके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं आपको नेक्स्ट है, समझिए कि इसे आपको ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर है ना, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर जैसे कहेंगे तो इसका एनविल और स्पिंडल है ना, एनविल और स्पिंडल उसको ब्लेड टाइप का बना हुआ रहेगा, अर्थात कह सकते हैं कि की वे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या साफ्ट जो कटा हुआ है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो की वे या साफ्ट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमें ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर के भी बारे में हम लोग सीख गए, इसका जो एनविल जिस टाइप से बना हुआ होता है, जिस आकृति में ब्लेड आकार की आकृति में बना होता है उसी अनुसार इसका नामकरण रखा गया ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। चलिए उसको बाद हम लोग आते हैं डिक्स माइक्रोमीटर। तो डिक्स माइक्रोमीटर जो होता है एनविल और स्पिंडल, एनविल और स्पिंडल जिस आकृति में बना होता है जैसे कि गोलाई में बना होता है, एनविल और स्पिंडल के जो फेस होते हैं वह गोलाई में बने होते हैं है ना, जिसके लिए इसका समझे कि नाम रखा गया डिक्स, मतलब डिक्स नुमा अर्थात आपको कह सकते हैं थाली नुमा है ना, गोलाई में बना हुआ जो आपको डिक्स माइक्रोमीटर को आपको पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यह पेपर को आसानी पूर्वक यह मापता है, पेपर को आसानी पूर्वक मापता है, अन्य माइक्रोमीटर से जब मापेंगे तो पेपर में सुराख हो जाएगा, पेपर में सही दबाव नहीं हो पाएगा और पेपर की मोटाई नहीं ज्ञात हो सकता है। तो इसी कारण आपको देख रहे हैं कि डिस्क माइक्रोमीटर का जो प्रयोग दूसरा नाम हो गया आपको, क्या हो गया दूसरा नाम, पेपर गेज माइक्रोमीटर, और इसका उपयोग पेपर को मापने, पेपर की मोटाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका एनविल और स्पिंडल गोलाई में बने होते हैं, एनविल और स्पिंडल जो होते हैं वह गोलाई में बने होते हैं, उसको एक डिस्क मतलब नुमा एक गोलाई में बना होता है, कह सकते हैं कि डिस्क मतलब एक थाली के गोलाई में अनुसार बना होता है। ठीक है, मतलब गोलाई में आगे से जो एनविल और स्पिंडल है वह आगे से क्या होगा, गोलाई में होगा, जो उसके सरफेस पे पेपर के सरफेस पे आपको रखने पर वह आपको उसमें सुराख नहीं हो, दबाव पड़ने के बाद समझे कि उचित दबाव पर भी वह क्या होगा, वह सुराख नहीं होगा और आसानी पूर्वक वह मोटाई मापने में सही रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। देखिए स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर जैसे ही कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर मतलब एक छोटे से है ना, छोटे से आंतरिक माप मापने के लिए यह माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी समझिए कि से ब्रिटिश में 0.2 inch, जीरो पॉइंट आपको ध्यान देंगे इसका जो ब्रिटिश में 0.2 inch और मैट्रिक में आपको 5 mm, मैट्रिक में आपको 5 mm, ठीक है, मैट्रिक में आपको 5 mm को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपको कह सकते हैं कि 1 inch या 25 mm में यह समझिए कि इसका जो रेंज में बना होता है।
ठीक है, और कम से कम जो है आपको मापने के लिए 0.2 इंच या आपको 5 mm के साइजों को वह मापता है, ठीक है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इसके जो मापांक जो है, जो साधारण माइक्रोमीटर जो हम मापते हैं उसका थोड़ा सा विपरीत होता है, जैसे कि आपको उसको जितना भाग ढकता है, जो थिम्बल का थिम्बल से जितना भाग ढकता है उसको लेते हैं रीडिंग लेते समय, और उसी तरह समझिए कि जितना भाग इस मेन डिवीजन ढकेगा, सब डिवीजन ढकेगा, थिम्बल डिवीजन को देखेंगे और उसके बाद समझिए कि इससे क्या हो जाएगा, वो देखने के बाद हम उसको ऐड कर लेते हैं और रीडिंग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के भी बारे में जान गए कि यह आपको एक छोटे से समझिए कि इसे खांचे को मापने के लिए, छोटे से स्थानों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो आंतरिक मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो 0.2 इंच या 5 mm के साइजों को यह मापता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि सभी माइक्रोमीटर के बारे में हम चर्चा किए, और यह माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करने के बाद हम थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे देंगे कि यह बॉल माइक्रोमीटर या फ्रिंज माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, कॉम्बी माइक्रोमीटर, थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर 10 से लेके आपको 15 तक जो हम देख रहे हैं, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लंबा आपको वीडियो नहीं हो और उसको बाद हमें सीखने में इंटरेस्टिंग रहे और आसानी पूर्वक उसको सीख जाए, ठीक है। तो दो वीडियो हम इसको बनाने के लिए पहले ही बता चुके हैं, तो आपको यह जो देख रहे हैं, जो पांच जो देख रहे हैं लगभग में, तो इस सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। हम आज सीखे 1 से लेकर जो देख रहे हैं आप, 1 से लेकर आपको 9 तक, 9 टाइप्स में आपको समझिए कैसे, जो प्रकार, जो 9 प्रकार का आपको माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग सीखे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे वीडियो में यह सीखे। अब है कि इस वीडियो में जो देख रहे हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को आपको प्राप्त करने के लिए, हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए देखते समय आपको पूरा देखें, ताकि आपको स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। और समझने के बाद समझिए कैसे उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लाइक करें, बेल आइकन को दबाए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और शेयर करें जिससे आपके साथी को भी लाभ हो, आप जिस तरह स्टडी कर रहे हैं आपका साथी भी इसका लाभ उठाए, तो आप शेयर भी करें, ठीक है। तो इस तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहें, और वीडियो में आपको किसी प्रकार का कमी नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको समझिए तुरंत हम आपको डालेंगे, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा पूरा देखें और अच्छी तरह इसको समझें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।